विद्यार्थी मित्रों आज हम कक्षा आठ विषय हिंदी इकाई नो ममता भाग एक का अभ्यास करेंगे सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं इस इकाई के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद का जन्म तीस जनवरी अठारह सौ नवासी में वाराणसी में हुआ प्रसाद जी मूलतः कवि है उन्होंने नाटक कहानियाँ निबंध और उपन्यास भी लिखे उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है उनका निधन चौदह जनवरी उन्नीस को हुआ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है ममता विधवा है रोहतास दुर्ग के मंत्री चुड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया चुड़ामी वहीं मारे गए किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी लंबा समय बीत गया अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया ममता अब सत्तर वर्ष की हो चली थी अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी जो उसी की जोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंप कर अनंत यात्रा पर चली गई उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी मन में वेदना मस्तक में आंधी आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चुड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था परंतु वह विधवा थी उसकी विडम्बना का अंत कहाँ था चुड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया स्वर्ण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी पिता का आना न जान सकी चुडामणि व्यथित हो उठे स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें यह स्थिर न कर सकते थे लौट कर बाहर चले गए ऐसा प्राय होता परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी पैर सीधे न पड़ते थे एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए उस समय उनके पीछे दस सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया अनुचर थाल रख कर चले गए समझौती देखते हैं चुड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री है उसकी एक बेटी है जो विधवा है ममता मन में वेदना लिए अपने भवन में बैठी है और रो रही थी उसे किसी भी चीज की कमी न थी लेकिन वह विधवा थी चुड़ामणि अपनी पुत्री को मिलने आए यह भी ममता को पता न चला और वह अपने विचारों में ही खोई हुई थी यह देखकर चुडामणि चिंतित हो उठे और ममता को मिले बिना ही बाहर चले गए लेकिन कुछ देर बाद वापस चुडामणि ममता से मिलने आए उस समय उसके साथ दस सेवक थे जो चांदी के थाल में कुछ लिए खड़े थे पैरों की आहट सुनकर ममता घूमकर देखती है चुडामणि के कहने पर सेवक थाल रख कर वहां से चले गए ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी तेरे लिए बेटी उपहार है कहकर चुड़ामणि ने आवरण उलट दिया स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा ममता चौंक उठी इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया चुप रहो ममता यह तुम्हारे लिए है तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी यह अनर्थ है अर्थ नहीं लौटा दीजिए पिताजी हम लोग ब्राह्मण है इतना सोना लेकर क्या करेंगे इस पतनोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी है भगवान विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या भीख न मिलेंगी क्या कोई हमें दो मुट्ठी अन्न न देगा यह असंभव है फेर दीजिए पिताजी मैं काप रही हूँ इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है समझूती देखते हैं ममता चुड़ामणि से कहती है कि यह थाल में क्या है तब चुडामणि कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए उपहार यानी कि भेद है ममता ने देखा को देखा तो उस थाल में स्वर्ण था ममता ने पूछा यह कहाँ से आया तब चुडामणि कहते हैं कि मेरा मंत्रित्व पद छीनने वाला है इसलिए शेर शाह ने यह उत्कोच दी है ममता कहती है कि यह रिश्वत स्वीकार करना अनर्थ है इसे लौटा दीजिए हमें ब्राह्मण को इतना सोना क्या करना है तब चुड़ामणि कहते हैं कि यह सामंत वंश का अंत समीप है शेरशाह दुर्ग पर अधिकार कर सकता है ममता कहती है कि भविष्य के लिए इतना आयोजन हम भीख मांग लेंगे लेकिन यह रिश्वत नहीं चाहिए मूर्ख है कहकर चुडामणि चले गए दूसरे दिन जब डोलियों का ताता आ रहा था मंत्री का धक धक करने लगा। वे अपने को रोक सके, उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है बात बढ़ गई तलवारें खींची मंत्री वही मारे गए राजा रानी और कोस सब छली शेर शाह के हाथ पड़े निकल गई ममता डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए परंतु ममता न मिली काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था खंडित शिखरों वाले भवन त्रुण गुलमों से ढके हुए प्राचीन और ईटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे उसी स्तूप के भगनावेश में मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी अनन्यास्विंत यंतो माँ ये जनाहा पर समझूते देखते हैं ममता पर गुस्सा होकर वहां से चले गए और कहते हैं कि तू मूर्ख है अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेर शाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं चुड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है ममता किसी तरह दुर्ग में से निकलकर भाग गई और काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडहर में आश्रय लेती है एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योग क्षेम को मैं वहन करता हूं बाल मित्रों इकाई नौ भाग एक ममता यहाँ पूर्ण होती है इसके बाद के वीडियो में हम इकाई नौ ममता भाग दो का अभ्यास करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत